भूमाफिया का वर्चस्व कायम, पीड़ित थाने से चौकी, चौकी से थाने की छान रहा खा। कानपुर के जाजमऊ थाना इलाके में भूमाफियाओं का दबदबा कायम है। भूमाफियाओं ने पहले तो एक भूखंड पर कब्जा किया, भूखंड पर कब्जा करने के बाद उसके फर्जी कागजात बनवाकर मोटे दामों में किसी अन्य को बेचकर फर्जी रजिस्ट्री कर दी। वहीं उस भूखंड के मालिक फिरोज अहमद का कहना है कि भूखंड का मामला कोर्ट में लंबित था, जिसका फैसला वर्ष 2018 में माननीय न्यायालय ने मेरे पक्ष में सुनाया था। भूखंड का मामला न्यायालय में वर्ष 2004 से लंबित था, जिसका फैसला न्यायालय ने 2018 में फिरोज अहमद के हक में दिया। भूमाफियाओं की पहुंच के चलते पीड़ित फिरोज को कागजों में उस भूखंड का मालिक तो घोषित कर दिया गया, परंतु कब्जा नहीं दिलाया गया। पीड़ित फिरोज का आरोप है कि भूखंड को फर्जी कागजात के आधार पर भूमाफियाओं द्वारा बेच दिया गया। इस शिकायत को पुलिस नजरअंदाज किए हुए है। वहीं फिरोज का कहना है कि IGRS में भी पुलिस ने गलत रिपोर्ट लगा दी। रिपोर्ट में पुलिस ने बताया है कि मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, जबकि पीड़ित का कहना है कि जब उक्त मामले में वर्ष 2018 में फैसला मेरे हक में आया है, तो भूखंड का मामला विचाराधीन कैसे हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरोज अहमद है। आप अधिकारियों के चक्कर लगा रहे, आज जानू थाना भी आए, क्या वजह है, क्या कारण रहा? मेरा मकान 696/5 शब्दुल्ला उस्मैना ने फर्जी तरीके से बेच दिया है, जिसमें जांच आई थी, जांच में थाने से रिपोर्ट फर्जी लग के गई है, जिस मुकदमे को 2018 में डिसाइड कर दिया गया, जिसमें हमको मालिक माना गया, उसको अभी वहाँ रिपोर्ट लगाई गई है कि कोर्ट में विचाराधीन है। तो अभी क्या आपके कितने वर्षों तक मुकदमा चल रहा है? मुकदमा चल रहा था 2004 से, 2018 में डिसाइड हो गया, उसके बाद अपील में गए, वो अपील भी मेरे फेवर में डिसाइड हो गई। तो इस मुकदमे में तो अभी जांच भी चल रही है, जांच का क्या विषय रहा अभी तक? जांच का विषय यही रहा कि मेरा मकान बेचा है और FIR नहीं हो रही है। FIR कौन नहीं कर रहे? थाने चौकी वाले नहीं कर रहे, और कौन करे? कितने टाइम से आप चक्कर लगा रहे हैं? हम 2 महीने से चक्कर लगा रहे हैं, 2 महीने से भी ज्यादा हो। तो अभी जाजो थाने में आपसे क्या बोला गया, क्या क्या गया? वो तो कह रहे हैं यही कि आप जाइए कोर्ट से हाजिर करा के जाइए। बोलिए, और मेरी जान को बहुत खतरा है, अगर मेरे को कुछ होता है तो सारी जिम्मेवारी जाजमो चौकी के पूरे स्टाफ की होगी, तथा अधिकारियों की होगी। और वही एक आदमी है जो सर्किट हाउस में केयर टेकर है, वो जो है इन लोगों की पैरवी करता है थाने चौकी में, यहाँ तक कि लोगों के मुकदमों को वहाँ कोर्ट में ठीका लेके और करता है, सारे बाबुओं को मिला रखा है उसने, और गरीब लोगों का सारा मुकदमा खराब करता है, उनके कागज चोरी करवा देता है। अतः श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है कि जांच करा के उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अभी क्या किसी अधिकारी ने आपसे पैसों की डिमांड को लेकर कुछ कहा? मेरे से किसी ने कोई पैसे की डिमांड नहीं करी। आतिया News 24 के लिए नौशाद अहमद की रिपोर्ट। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।